मेरे हिसाब से इसमें से आप कोई 25 चैप्टर आइडेंटिफाई कर लीजिए जो आगे होंगे, जो आगे 25 चैप्टर होंगे, 25 से 30 चैप्टर आपने कर लिए मल्टीप्लाइड बाय 30 आवर्स मैंने बोला, तो करीब करीब यदि आप 800 घंटे 800 आवर्स यानी वीकली 40 आवर्स कर लेंगे तो आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं। यदि आप सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप इस समय पे थक जाएंगे। यू हैव टू स्टार्ट। तो इसका मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ 20 हफ्ते में 30 चैप्टर यानी हर दो हफ्ते में 3 चैप्टर, 20 हफ्ते में 30 चैप्टर यानी हर हफ्ते 1.5 चैप्टर, 1.5 चैप्टर, दो हफ्ते में 3 चैप्टर, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री, एक बायो। बस इतना करने की कोशिश करिए जो आपको क्लास में पढ़ाया, कोई गाइड मत करिए। उसके बाद घर पे आके रिवाइज किया, एनसीईआरटी पढ़ी और हर एक चैप्टर में करीब 10 घंटे की एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए। आपने यदि 30 चैप्टर कर लिए यू आर इन द गेम, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में टारगेट कर सकते हैं नीट 26। और साथ में अपनी रेगुलर टेस्टिंग चालू कर दीजिए। मैं आपको इस वीडियो में यही बताना चाहता हूँ, काफी सारे स्टूडेंट्स अभी तक हमने 2026 के टेस्टिंग के बारे में स्टूडेंट्स को बताया नहीं था, अब हमने स्पेसिफिक टेस्टिंग के कोर्सेज बना दिए, क्योंकि टेस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप पढ़ रहे हैं आपको तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आप टेस्ट लिख के ये नहीं समझते कि मुझे कितनी चीजें समझ में आई कितनी समझ में नहीं आई। गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ये वीडियो नीट 2026 एस्पिरेंट्स के लिए। आप लोग की इस समय पे हालत खराब होगी, स्कूल संभल नहीं रहा होगा, 10th से 11th में आए, यूनिट टेस्ट हो गए, अभी मिड टर्म टेस्ट या तो हो गए होंगे, होने वाले होंगे और आपको लगेगा आपके बस की नहीं है। डेफिनेटली आप स्कूल और नीट एग्जाम साथ में मैनेज नहीं कर सकते। मैं इस वाले वीडियो में आप लोग को कॉशन करना चाहता हूँ। वीडियो का टाइटल क्या है देख लीजिए, नीट 2026 में जो टॉप करेंगे वो इस समय पे खड़े रहेंगे। प्रेशर आएगा, लगेगा नहीं हो पा रहा, ऑलमोस्ट डूबने का फील होगा, पर वो बार बार मुंह निकाल के ऊपर सांस लेते रहेंगे। दे विल समहाउ कीप स्टैंडिंग। यदि आप ज्यादातर टॉपर्स के वीडियो देखेंगे, हमने भी इस चैनल पे काफी किए हैं, वो आप लोग को बताएंगे कि 11th में सब लोग का स्ट्रगल हुआ था। बहुत सारे ऐसे भी टॉपर्स हैं जिनके 700 प्लस आए हैं और 11th के एंड तक दे वर नॉट एबल टू क्रॉस 550-600। सो दैट इज ऑल परफेक्टली ओके। What is important is हम अपने दिमाग में ये बैठा लें कि यदि हम अभी फ्लोट करते रहे, अभी अपने आप को नीचे नहीं जाने दिया, अभी गिव अप नहीं किया, तो हम टॉपर होंगे, वी विल बी इन वेरी वेरी गुड शेप। और यदि हमने जाने दिया तो अभी हमारे दिमाग में ये बैठ जाएगा, किसी ने सही कहा था, नीट एग्जाम तो ड्रॉप करके ही होता है। मैं आप लोग को बोलना चाहता हूं, आपको इस वाली चीज से बचना है। दिस इज द टाइम व्हेन यू आर गोइंग टू डिसाइड कि आप 2026 में क्रैक करेंगे या नहीं करेंगे, और अपने दिमाग में बैठा लीजिए किसी भी हालत में लेट नहीं हुआ, पर अपने दिमाग के अंदर कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। तो पहली चीज समझिए, सबके लिए स्टेप जंप है, सबको डिफिकल्टी होती है क्लास 10th से क्लास 11th के अंदर। सिग्निफिकेंटली चेंज होता है सिलेबस, सिलेबस का वॉल्यूम यानी क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है और डिफिकल्टी बढ़ जाती है। सिर्फ रट के आप एग्जाम लिखने नहीं जा पाएंगे, आप लोग की स्कूल एग्जाम की भी तैयारी एग्जाम से दो दो तीन तीन दिन पहले नहीं हो पाएगी जैसे आप 9th-10th में कर पाते थे। तो दैट इज फाइन, गेट यूज टू द फैक्ट कि आपको थोड़ा बेहतर रेडी होना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। ज्यादातर स्टूडेंट इस टाइम तक ओवरवेलम हो जाएंगे, ठीक है। आप लोग को क्या करना चाहिए यदि आपका टारगेट है फर्स्ट अटेम्प्ट में, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब क्या है, देखिए आपने कोई कोचिंग ज्वाइन की हुई है, ठीक है, कोचिंग के बाद आप घर पे आके रिवाइज करते हैं, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। आपको यह ध्यान रखना है कि एक जो तरीका है टाइम बचाने का, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि एनसीईआरटी के अलावा और कोई थ्योरी किसी मॉड्यूल किसी गाइड की नहीं पढ़नी है, दैट इज वेस्ट ऑफ टाइम। आप बस एडिशनल इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं जो परफेक्टली यूजलेस है। आपको ये जो एनसीईआरटी है तो आपको कोचिंग में पढ़ाया, आप घर पे आए, आपने रिवाइज किया प्लस साथ में एनसीईआरटी पढ़ा और अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस पे लग गए। और आपको जब स्कूल एग्जाम की तैयारी करनी है कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, इसी कोचिंग में और एनसीईआरटी में जो पढ़ा इसके बेसिस पे आपको स्कूल के जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वो करना है। डबलिंग मत करिए यहाँ पे, नहीं तो आपका जो टाइम खराब होगा वो टाइम आपके पास सच में है नहीं। तो आप लोग को करना क्या है मोटा मोटा समझ लीजिए, आप लोग को अब से लेके एक मिनट के लिए फर्स्ट अक्टूबर मान लेते हैं, फर्स्ट अक्टूबर से लेके लेट से 28 फरवरी तक मान लेते हैं, 5 महीने, 5 मंथ्स, ठीक है। 5 मंथ्स का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेटली 20 वीक्स, 21 होते हैं, 20 वीक्स मान लीजिए। चैप्टर्स है 42, कैसे, फिजिक्स के अंदर 14, केमिस्ट्री में 9 और बायो के अंदर 19, ठीक है। तो आपको 20 हफ्ते में 40 चैप्टर करना है, तो देखिए 42 चैप्टर्स है। अब जरा ये देख लीजिए, पर चैप्टर
एक मिनट के लिए मान लीजिए आपको करीब 30 आवर्स लेना है ना, 30 आवर्स में 20 घंटे की आपकी थ्योरी हो गई, इसके अंदर टीचर ने क्लास में पढ़ाया, क्लासरूम टीचिंग, ठीक है, प्लस घर पे आपने आके एनसीईआरटी रीडिंग कर लिया, ठीक है, 20 घंटा हुआ, और 10 आवर्स ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस। अब ये 10 आवर्स ऑफ एमसीक्यू प्रैक्टिस का मतलब हो गया, मैंने आपसे कहा है फिजिक्स केमिस्ट्री का चैप्टर है 150 क्वेश्चन, बायो का चैप्टर है 200 क्वेश्चन, सही है। तो आपको चाहिए 42 into, तो आवर्स निकाल लेते हैं, आवर्स कितने चाहिए, 42 into 30, ठीक है, 1260 आवर्स, ठीक है। अब ये 1260 आवर्स आपको 20 हफ्ते में लगाने, तो वीकली आपका करीब 60 आवर्स हो गया, ठीक है, इतना नहीं हो पाएगा। यदि आपने बिल्कुल भी अभी तक तैयारी नहीं की है तो आप 60 घंटे हर हफ्ते में नहीं लगा पाएंगे स्कूल के साथ। तो आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है, आप अपने दिमाग में ये देख लीजिए कि आपके जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के चैप्टर्स हैं, ठीक है, इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो, ठीक है, कितना कितना है, 14, 9 और 19, मेरे हिसाब से इसमें से आप कोई 25 चैप्टर आइडेंटिफाई कर लीजिए जो आगे होंगे, ठीक है, जो आगे 25 चैप्टर होंगे, 25 से 30 चैप्टर आपने कर लिए, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 30 आवर्स मैंने बोला, तो करीब करीब यदि आप 800 घंटे, 800 आवर्स, यानी वीकली 40 आवर्स कर लेंगे, तो आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं। यदि आप सब कुछ करने की कोशिश करेंगे तो आप इस समय पे थक जाएंगे, यू हैव टू स्टार्ट। तो इसका मतलब मैं आपसे कह रहा हूं 20 हफ्ते में 30 चैप्टर, यानी हर 2 हफ्ते में 3 चैप्टर, 20 हफ्ते में 30 चैप्टर यानी हर हफ्ते 1.5 चैप्टर, 1.5 चैप्टर, 2 हफ्ते में 3 चैप्टर, 1 फिजिक्स 1 केमिस्ट्री 1 बायो, बस इतना करने की कोशिश करिए जो आपको क्लास में पढ़ाया, कोई गाइड मत करिए, उसके बाद घर पे आके रिवाइज किया, एनसीईआरटी पढ़ी और हर एक चैप्टर में करीब 10 घंटे की एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लीजिए। आपने यदि 30 चैप्टर कर लिए, यू आर इन द गेम, आप फर्स्ट अटेम्प्ट में टारगेट कर सकते हैं नीट 2026, ठीक है। और साथ में अपनी रेगुलर टेस्टिंग चालू कर दीजिए। मैं आपको इस वीडियो में यही बताना चाहता हूं, काफी सारे स्टूडेंट्स अभी तक, हमने 2026 के टेस्टिंग के बारे में स्टूडेंट्स को बताया नहीं था, अब हमने स्पेसिफिक टेस्टिंग के कोर्सेज बना दिए, क्योंकि टेस्टिंग इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब आप पढ़ रहे हैं आपको तब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जब तक आप टेस्ट लिख के ये नहीं समझते कि मुझे कितनी चीजें समझ में आई, कितनी समझ में नहीं आई और कहां पे स्पेसिफिक मेहनत करनी है। तो देखिए हम लोगों ने 3 चीजें कर दी, आपको ऑलरेडी पता है कि नीट 2026 के लिए एक टारगेट बैच था, ठीक है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो एक्सप्लेनिंग कि टारगेट बैच में क्या क्या है, उसे कैसे यूज करना है, पर टारगेट बैच में एमसीक्यूज है, फ्लैश कार्ड्स है, डीपीपी जनरेटर है, कस्टम टेस्ट जनरेटर है, और जब एमसीक्यू प्रैक्टिस की बारी आती है, दिस इज एब्सोल्युटली द बेस्ट, एब्सोल्युटली नथिंग कंपेयर्स टू इट, बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चंस, एनसीईआरटी बेस्ड है, नीट लेवल है, आपको सारे पीवाईक्यूज भी मिल जाते हैं, आपको एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज और सॉल्व एग्जांपल भी मिल जाएंगे, एग्जांपलर भी मिल जाएंगे, ऑल ऑफ दिस इज देयर। ये आप में से काफी सारे लोगों ने ज्वाइन किया, नहीं किया अभी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज क्लासरूम टेस्ट सीरीज, पहला टेस्ट 6 अक्टूबर को है, हमारे 225+ सेंटर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, इंक्लूडिंग अ लॉट ऑफ सेंटर्स इन साउथ, इसे ज्वाइन कर लीजिए, इससे एक डिसिप्लिन आ जाएगा और आप लोग को समझ में आना चालू होगा कि हाँ भाई एक सेंटर पे जाके एग्जाम लिखने का ये मतलब होता है। प्लीज गाइस डरिए मत, डरने से काम नहीं चलेगा, ये रियलिटी के 2026 में एग्जाम लिखना है, ये रियलिटी कि आज हमें लग रहा है हमारे बस की नहीं है, पर हम यदि खुद से बोल देंगे मेरे बस की है, कुछ कुछ करने की कोशिश करेंगे। ऑलरेडी देखिए मैंने वीडियो में बताया 42 चैप्टर्स 11th के पूरा करने की कोशिश मत करिए यदि आपने अभी तक कुछ भी नहीं किया, यदि आप अभी तक दबे हुए थे बोझ में, धीमे धीमे बाहर निकल रही है, 30 चैप्टर्स का ट्राई करिए, 30 चैप्टर्स के लिए आपको 900 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 900 घंटे 20 हफ्ते में किए जा सकते हैं, 40 to 45 hours पर वीक इंक्लूडिंग कोचिंग टाइम इज पॉसिबल आफ्टर स्कूल। तो मैं आप लोग को यह बोल रहा हूं, साथ में टेस्ट लिखिए, यदि आप क्लासरूम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं 8 क्लासरूम और 8 ऑनलाइन टेस्ट आपको मिलेंगे, दिस इज स्टार्टिंग ऑन 6 अक्टूबर। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां पे आप भर दीजिए गूगल फॉर्म, कोई आपको कॉल करके डिटेल दे देगा, इन 225+ सेंटर्स का एड्रेस क्या है आपको पता चल जाएगा आपके घर से कितना दूर है। और तीसरी चीज, एक हमारा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज का पैकेज है विच इज वेरी पॉपुलर अमंग्स एस्पिरेंट्स, जो स्टूडेंट्स कह रहे थे 2026 के लिए भी इनेबल करा दीजिए, 100+ ऑनलाइन टेस्ट है जिसमें चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज, पार्ट टेस्ट और 24 फुल ड्यूरेशन क्लास 11th के,
है ना, फुल ड्यूरेशन बोल रहा हूँ, फुल सिलेबस नहीं बोल रहा, यानी पूरे 200 क्वेश्चन के, वो भी है यहाँ पे। तो यदि आपको सिर्फ ऑनलाइन ज्वाइन करना है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन ज्वाइन करना है, सिर्फ ये ज्वाइन करना है, ये ज्वाइन करना है, यू कैन डिसाइड। बट इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आपकी जो पढ़ाई चल रही है उसके अंदर टेस्टिंग को इंक्लूड कर लीजिए। बिना टेस्टिंग के आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। एक ही तरीका होता है पढ़ाई करने का, किसी ने पढ़ाया, घर पे आके रिवाइज किया, एमसीक्यू प्रैक्टिस किया, ये सब लिमिटेड है, एनसीईआरटी बेस्ड है, और उसके बाद रेगुलर बेसिस पे जाके टेस्टिंग कर ली। तो मैं आपको एक एक चीज दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ से चलते हैं, ये हमारी जंबो टेस्ट सीरीज है। तो जंबो टेस्ट सीरीज में आपको हमने सारे चैप्टर वाइज टेस्ट जो आपके 11th के हैं वो सब लाइव है समय पर ऑलरेडी, ठीक है। तो अब ऊपर से चलेंगे, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासेस, ऑल ऑफ दीज आर लाइव, ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस हैव ऑडियो एक्सप्लेनेशंस विद देम, सो दैट इज फैंटास्टिक। इसके अलावा कुछ और टेस्ट लाइव हो चुके हैं जिनको आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं आपको बताऊंगा, ये 14 जुलाई का टेस्ट है या ये 7 जुलाई का टेस्ट है, ये सब ऑनलाइन टेस्ट। अटेम्प्ट 9 पे आ गया, मैं पीछे आ गया, है ना, यहाँ पे आ जाते हैं वापस। तो देखिए व्यू सिलेबस, ठीक है, मॉर्फोलॉजी, रोटेशनल मोशन, ये सारी चीजें है ना, तो आप आराम से दे सकते हैं। यू विल फाइंड ऑल ऑफ दिस स्टफ वेरी वेरी यूजफुल। सिमिलरली क्लासरूम टेस्ट सीरीज, जैसे मैंने आपको बताया 8+8=16 टेस्ट है। तो ये देखिए 6 अक्टूबर को पहला टेस्ट है, इसका सिलेबस आप में से ज्यादातर लोग का हो गया होगा, वर्क एनर्जी पावर तक। यहाँ पे पहली 2 यूनिट बायोलॉजी की और पहले 4 चैप्टर केमिस्ट्री के, राइट। वही फिर क्लास के अंदर होगा 13 अक्टूबर को, तो ये भी आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो मेरी बात वापस समझ लीजिए गाइस, इस समय पे खड़े रहना है। टाइटल है नीट 2026 टॉपर्स विल बी स्टैंडिंग राइट नाउ। कितना भी प्रेशर आ रहा है, पानी का बहाव ज्यादा है, लग रहा है नहीं बच पाएंगे, फील हो रहा है कि नहीं मेरी तैयारी का सत्यानाश हो चुका है, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ड्रॉप करके 2027 की तैयारी कर लूंगा। ऐसे काफी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो इस टाइम पे गिव अप कर देंगे। मैं आपसे कह रहा हूं रुक जाइए, खड़े रहिए, कोई बात नहीं, आपको प्रेशर फील हुआ, ये प्रेशर चला जाएगा। इसके अंदर से अपने आप को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करिए। ऑर्गेनाइज करने का मतलब, यदि आपकी अभी तक कुछ भी तैयारी नहीं हुई, इस समय से लेकर 28 फरवरी तक 30 चैप्टर आउट ऑफ 42 आप अपने कोचिंग के सीक्वेंस को फॉलो कर लीजिए। पहले जो छूट गया इतना परेशान मत होइए। कुछ यदि बेसिक कॉन्सेप्ट्स वगैरह है, जैसे मैकेनिक्स वगैरह है, जिसकी आगे जरूरत है, उसको धीमे धीमे पढ़ना चालू कर लीजिए, पर इस समय पर परेशान मत होइए, खड़े रहिए। और हम यहां पर आप लोग को दुनिया भर का सपोर्ट करने के लिए अवेलेबल है। आप लोग के लिए क्लासरूम टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आपके लिए ऑनलाइन के 100+ टेस्ट, जिसमें आप चैप्टर वाइज टेस्ट, यूनिट टेस्ट, 25-25 क्वेश्चन के टेस्ट भी दे सकते हैं, कस्टम टेस्ट जनरेटर अवेलेबल है, ऑल ऑफ दिस स्टफ यू कैन डू। बट इंपॉर्टेंट यह है कि आपको यह नहीं सोचना अपने दिमाग के अंदर कि आपकी औकात नहीं है। आपकी औकात है, इस समय आपके ऊपर प्रेशर है, खड़े रहिए और हो जाएगा। आपका कोई भी सवाल है मेरे से, वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, पर मुझे बताइए ए, क्या आप प्रेशर फील कर रहे हो, बी, क्या आप खड़े रहेंगे, या फिर आप अपने दिमाग में ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि आप 2027 के लिए ड्रॉपर बन के तैयारी करेंगे, ठीक है बच्चों।